कई प्रतिभाएं निकली हैं। साथ ही उन्होंने उच्च स्तर पर प्रदेश और इंदौर का नाम रोशन किया है। इसी क्रम को जारी रखने के लिए इंदौर से 3 होनहार बच्चे रोल बॉल खेलने के लिए श्रीलंका फेडरेशन वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। शहर के कोलंबिया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले 3 बच्चे श्रीलंका के लिए रवाना हुए। इंदौर के कोलंबिया कॉन्वेंट स्कूल से स्केटिंग रोल बॉल वर्ल्ड कप खेलने के लिए श्रीलंका के कोलंबो जा रहे हार्दिक आर्य, दीपेश चौधरी और 13 वर्षीय तेज तर्रार खिलाड़ी तनवीर पटेल का मानना है कि वह खेल के साथ साथ स्वच्छता का संदेश भी श्रीलंका में देकर आएंगे। खिलाड़ी तनवीर का कहना है कि वह इस गेम में बहुत कुछ मुकाम तक जाना चाहते हैं और अपने देश के साथ शहर और समाज का नाम भी रोशन करना चाहते हैं। वहीं तनवीर के परिजन नौशाद पटेल का कहना है कि बच्चे के माता पिता और सभी ने आगे बढ़ाने के लिए खूब मेहनत की है और आज वह इसी मेहनत के कारण श्रीलंका खेलने जा रहे हैं। श्रीलंका, यस, गुजरात, भोपाल, आसाम, रोल बॉल खेलते हैं, 13 को जाना है कोलंबिया कॉन्वेंट। अभी हाल ही में केरला में हुई थी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, उसमें दीपेश चौधरी और दीपेश चौधरी और हार्दिक आर्य ने एमपी टीम से रिप्रेजेंट करा था और सब जूनियर नेशनल जो टीम गई थी एमपी की उसमें तनवीर पटेल ने एमपी टीम को रिप्रेजेंट करा था। उसी के बिहार पर इन लोगों का चयन इंडिया टीम में करा गया है। श्रीलंका में होने वाली जो इंडिया और श्रीलंका सीरीज है वो गेम को प्रमोट करने के लिए सीरीज कराई जा रही है जो श्रीलंका फेडरेशन करा रही है। उसके लिए इंडिया टीम में सिलेक्शन कम से कम 50 से ज़्यादा बच्चे उसमें भारत टीम में खेलेंगे, उसमें सीनियर जूनियर सब जूनियर पूरे भारतवर्ष के बच्चे जाएंगे खेलने के लिए, जिसमें हमारे इंदौर के 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इंडिया टीम में, हार्दिक आर्य, दीपेश चौधरी, तनवीर पटेल जो कि ओलंपिया कॉन्वेंट के होनहार खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के नेशनल खिलाड़ी हैं, उनका चयन इंडिया टीम में किया गया है और ये बच्चे आगे जाकर अपने देश का अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। सर, हमने बड़ी मेहनत करी है, जब बोला कि हमें सर वहाँ जाना खेलने, वहाँ अभी बीच में गोवा भी गए थे, आसाम भी गए थे, वहाँ से भी जीत के आया सर। और हमारे समाज को लेकर मतलब बहुत वो है उत्साहित कि हमारे समाज का नाम रोशन होगा नायता पटेल समाज खजराना से, कि बच्चा बहुत उत्साहित है खेलने के लिए और हमेशा एक्टिव रहता सर, स्कूल वाले भी बहुत कॉपरेट करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चा जा रहा है श्रीलंका, हमारे मतलब गाँव का गौरव बढ़ाए, नाम कमाए, बस यही चाहते सर। अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है और बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। हाँ, उम्मीद तो है, ऑल द बेस्ट, जीत के आना। कोलंबिया कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उनके स्कूल से पहले भी कई बच्चे वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और जीत कर कई गोल्ड मेडल लाए हैं। इसी कड़ी में इन 3 बच्चों को भी 6 दिन के लिए उनके कोच के साथ श्रीलंका भेजा जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि बच्चे जिस तरह पढ़ाई में तेज तर्रार हैं उसी तरह इस रोल बॉल में भी मेडल जीत कर लौटेंगे। वहीं कोच हेमंत जोशी की माने तो केरल, गुजरात, असम और कई अन्य प्रदेश के शहरों में विभिन्न मेडल जीत चुके हैं। इस बार फिर श्रीलंका में निश्चित ही है 3 जीत का परचम लहरा कर लौटेंगे। इंदौर से जीतू पटेल की रिपोर्ट।